ओम शांति। आज 11 सितंबर 2024 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाकी आत्माओं के मुकाबले हम बच्चों को बाबा से कितना कुछ मिला है। बाबा ने कहा कि बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा देते हैं। कितनी बार बाबा मुरली में हमें हमारा अधिकार, हमारा वर्षा, हमारी प्राप्तियां याद दिलाते हैं, तो साथ साथ हमारा कर्तव्य भी बाबा ने आज हमें याद दिलाया कि हम भी बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर हैं और हमें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। तो कितनी बड़ी प्राप्ति और कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, ये बाबा हमें मुरलियों में एहसास दिलाते हैं। इसी बात का एहसास आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी दिला रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी हो। आज बाबा ने हमें ये पुनः स्मृति दिलाई है कि हम कौन हैं। बाबा कहते हैं आत्मिक रूप से हम इस संसार की सभी आत्माओं से बड़ी हैं, अर्थात सीनियर हैं, क्योंकि बाबा ने हमसे ही पूरे कल्प की शुरुआत की। आने वाले कल्प की पहली पहली रचना बाबा ने हम बच्चों को बनाया है ब्राह्मण रूप में। तो ब्राह्मण पहली रचना है, ब्राह्मण ही पूर्वज है, और बाकी सारी आत्माएं जो डायरेक्टली बाबा से नहीं ले सकती हैं वो हमसे लेती हैं। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि अपने आप को चेक करें, अगर अभी तक हमारी ही इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं तो बाकी आत्माओं की इच्छा पूर्ति का समय कब और कैसे लाएंगे। अभी तो कल्प भी अपने बिल्कुल लास्ट क्लाइमेक्स सीन पर आ चुका है, और अगर अभी तक हम ही भरपूर नहीं हुए हैं तो हम कैसे बाबा को कहें कि बाबा आप इशारा करो, हम चलने को तैयार हैं। संसार की आत्माएं जो दुख में तड़प रही हैं, उन्हें और कितना दुख में देखेंगे। उनका दुख तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उनको फिर से मुक्ति ना मिले, और ब्राह्मण आत्माएं जीवन मुक्ति में ना जाने को तैयार हों। तो इस संसार में दुख को अगर अब अंत करना है तो वो अपनी संपूर्ण स्थिति से ही करना है। बाबा एक और बात हमें ध्यान दिलाते हैं, हम आत्माएं बड़ी हैं तो कैसे हैं? हम सब इच्छाएं हमारी पूर्ण हो तब हम बड़े बनेंगे, या दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करके हम बड़े बनेंगे? बड़ों का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, लेकिन हम दूसरों को सब प्राप्तियां कराएं, वो है बड़ा। तो इसलिए बाबा ने हमें जो ये स्मृति दिलाई है, अपने बड़प्पन में अभी हम स्थित हों और सब आत्माओं की इच्छा पूर्ण करके उनके दुखों का अंत करें, और जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिला है वो दूसरों को भी दिलाएं। ओम शांति।